अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान व करम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको एक महीने के रोजे रखने के बाद सही सलामत तंदुरुस्ती के साथ आज ईदगाह में तौफीक और शरीफ होने की तौफीक अता फरमाई। और मजीद का यह हुआ कि दिन की निस्बत से थोड़ी देर बैठ कर गौर फिक्र कर लेना, अपने मकान पर आपके साथ में सत्तर बड़े सवाल करना, इससे भी बेहतर ये मेरे नबी की फरमान है। एक मरतबा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जब हजरत जुबैर अलैहि सलाम से पूछा गया कि जो दीन की निस्बत में बैठते हैं उनके औकात क्या है, जो दीन की निस्बत में बैठते हैं उनके औकात क्या है, उनकी फजीलत क्या है, उनकी मरतबा क्या है, तो हमारे जुबैर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब से दुनिया बनी और अब तक कितनी बारिशी मैं एक एक दिन के बता सकता हूँ, उसकी फजीलत को नहीं बता सकता। तो आज हम लोग अल्लाह तबारक व तआला और उनके नबी के रहमत में ईद के मानी आती है खुशी, और खुशी एक उम्मत जब कोई दूसरे उम्मत के साथ बांटते हैं मनाते हैं तो फरिश्ते फरमाते हैं कि या अल्लाह आज आपकी उम्मत के नबी को देखकर वो यही चीज करना कि इसी गुनाह को बख्श दे, ये फजीलत के बदले में बख्श दे, ये मोहब्बत के बदले में बख्श दे। नबियों की रिश्त में नबियों की खानदान में सबसे हमें आखिर नबी हजरत आदम अलैहि सलाम थे। जब हजरत आदम अलैहि सलाम इस दुनिया के अंदर आए सिलसिले बढ़ती गई, पहले देश 100 लाख नबी के नबी आए इस दुनिया के अंदर, सबसे आखिर नबी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब हजरत आदम अलैहि सलाम जब अर्श को देखे तो अल्लाह तआला क्या अल्लाह ये जो नाम अर्श पे लिखा हुआ है ये कब बना, तो फरमाते हैं कि जब तुम्हारे मेटी की नहीं तैयार हुई थी मैंने मोहम्मद को बना लिया था। एक हदीस है बुखारी शरीफ की हदीस है कि हमारा अल्लाह तबारक व तआला का एक बयान था हजरत आदम अलैहि सलातो वसलम का, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कैरेक्टर हमारे नबी के पास थी कोई नबी के पास नहीं था, कोई किसी भी मजहब के नबी के पास नहीं था। जो कैरेक्टर एक चोर था, आपको मुजफ्फरनगर के अंदर एक वाक्य बताता हूँ आपको, एक चोर था जो उसका सरदार उसे चोरी कराता था हमेशा। तो एक दिन बात हुई कि वो जाकर एक अंग्रेज का पर्स मार के लाया, पर्स मार के लाया तो रास्ते में जब आया तो फिर वो वहां से गुजर के लिया कि वो पर्स उसको दे दिया उस अंग्रेज को। तो अंग्रेज ने पूछा कि भाई आपने ये पर्स वापस क्यों दे दिया, आपके इतना पैसा है कि आप अच्छा कारोबार सेट कर सकते थे, आप अच्छा बन सकते थे। तो फरमाते हैं कि आप हजरत ईसा के उम्मत में सुनो, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सुनो, कहीं क़यामत के रोज अगर आपके नबी ने मेरे नबी को ताला दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो इसी सोच में मैं लाके आपको ये आपका जो बटुआ था आपका ये पर्स था मैं आपको वापस कर। तो एक चोर के पास इतनी सलाहियत थी, उनको नबी की कीमत मालूम था, नबी की कीमत मालूम था कि मेरी कीमत क्या है, हमारा नबी का कैरेक्टर क्या है, हमारे नबी का कंसेप्ट क्या था, हदीस क्या है। इतनी हदीसें पड़ी हुई है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिर्मिजी शरीफ, हम भी लोग पढ़ते हैं अमल नहीं कर पाते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि हम जितनी सुने उतनी समझे, अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इतना अता फरमाए ताकि अमल कर सके। और आप लोगों से दुआ की बरकत।